पासवान जाति के लोग इस सरकार के विरोध में हैं। मैं स्पष्ट खोल कर कहना चाहता हूं, टूट टूट के प्रशासन के द्वारा हत्याएं लूट बलात्कार कराया जा रहा है, उसका केस दर्ज नहीं होता है। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितने अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते थे 2005 में, 2010 में, 2015 में, आज वो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं है। आज किसी के सहारे हैं, उनको सहारा चाहिए। भाषण देते हैं तो बगल में से घूम कर देखते हैं कि तेजस्वी यादव है कि नहीं है, तो ये उनको सहारा चाहिए, वो निराश हो चुके हैं। प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तीसरी बार जब लोकसभा का चुनाव होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के लोकसभा देश में प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण लेंगे। उसने डिप्टी सीएम जी को जाकर आगाह किया था कि पुल का जो निर्माण हुआ वो गलत हुआ है, फिर भी बिहार सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और नतीजा हुआ कि पुल ध्वस्त हो गया बीच में ही और दर्जनों लोग उसमें मारे भी गए। तो ये बिहार सरकार की स्थिति है। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर है, खास करके बिहार में दलित समाज का जो लोग है, अति पिछड़ी जाति के जो लोग है, वो सुरक्षित नहीं है। आपको सामने उदाहरण होगा हमारे हाजीपुर में लालगंज में राकेश पासवान, जो बहुत तेज तरह नौजवान लड़का था, हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव भी था, और 5 बजे शाम में जाके उसकी हत्या हो गई। और प्रशासन के द्वारा आज तक कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे कि अरवल में एक दलित महिला के साथ में, पासवान महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। बेगूसराय में छोड़ाई प्रखंड में वहां एक दलित महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई, वो भी दलित महिला पासवान ही थी। तो इस ढंग से बिहार में जाति पूछ के भी क्राइम हो रहा है, क्योंकि हम पासवान जाति के लोग इस सरकार के विरोध में हैं। मैं स्पष्ट खोल कर कहना चाहता हूं, जो वर्तमान सरकार बिहार में, इस सरकार के विरोध में हमारी जाति के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, तो चूर चूर के प्रशासन के द्वारा हत्याएं लूट बलात्कार कराया जा रहा है, उसका केस दर्ज नहीं होता है। ये बिहार के दुर्भाग्य है, और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितने अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते थे 2005 में, 2010 में, 2015 में, आज वो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं है। आज किसी के सहारे हैं, उनको सहारा चाहिए। और कोई भी भाषण देने के पहले आप देखे भैया, आप लोग पत्रकार साथी हैं, जब भाषण देते हैं तो बगल में से घूम के देखते हैं कि तेजस्वी यादव है कि नहीं है, तो ये उनको सहारा चाहिए, वो निराश हो चुके हैं बिहार के आदमी से। इसलिए साथियों, बिहार में अब जब भी 2024 का चुनाव हो, तो मैं यहाँ कुछ जन पब्लिक भी, आप लोग भी बिहार के नागरिक हो, आप भी मतदाता हो, मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करिए और 2024 में एनडीए गठबंधन को अपना मत दीजिए, और एनडीए गठबंधन 2024 में दो तिहाई बहुमत से एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनेगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तीसरी बार जब लोकसभा का चुनाव होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के लोकसभा देश में प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण लेंगे। और अंतिम बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि बिहार का पूरा प्रशासन लगा हुआ है शराब बेचवाने पर, शराब रोकने पर नहीं है, शराब बेचवाने पर है। आप बताओ, पासी समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग, गरीब है, दलित है, शोषित है, भूखे मरता है, आप उसको, आपने बिहार सरकार ने ताड़ी बेचने पर, ताड़ी उतारने पर रोक लगा दिया। क्यों लगा दिया है? उसका मौलिक अधिकार है, जैसे प्रत्येक जाति का जातीय पेशा है, उसी तरह से पासवान जाति का और पासी जाति का, मुसहर जाति का मौलिक अधिकार है ताड़ी उतारना और ताड़ी बेचना। और आपने उसके पेट पर लात मारा है, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। उसके बच्चों की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सब समाप्त हो गई है। इसलिए बिहार सरकार बिहार के जनता के हित की बात नहीं करके व्यक्तिगत हित की बात बिहार सरकार के लोग करते हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। और 2024 में
लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।